मैं बस अभी अभी सोने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर अभी माइंड में आया कि यार 10 बजे हैं, इतनी जल्दी सो ली। मैं कि चलो कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, फिर मैंने ऐसे सोचा। लेकिन फिर एकदम से अचानक माइंड में आया कि यार कल का प्लानिंग, मैंने तो 7 दिनों का स्केड्यूल बनाया था, वो शेयर करना है। मतलब कि मेरा कैसा रहा, कैसी फीडबैक है मेरी उसके बारे में, क्या गलतियां मिस्टेक्स रही, या क्या अचीवमेंट लिखी है मैंने, जब कितना अच्छा गया, कितना क्या चीजें बुरी गई हैं, तो वो सब शेयर करना है मेरे को आप लोगों के साथ, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना चाहिए। अपने दिन के बारे में खासकर हमको पता होना चाहिए कि आज का दिन मेरा कैसा गया, आज क्या मैंने प्रोडक्टिव किया। जब 7 दिन अगर मैंने कोई काम किया तो वो उसकी क्या प्रोडक्टिविटी निकल कर रही है, थोड़ा सा ना एक सिनेरियो ऐसे पता होना चाहिए कि 7 दिन अगर मैंने कोई काम किया है, मेरे कित कहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, कि 5 दिन मैंने अगर मतलब मेरे गए हैं तो इतना दिन गए हैं, इतना आवर्स गए हैं मेरे, तो कितने आवर्स में मैंने कौन सा कहाँ पर स्पेंड किए हैं, कहाँ पर क्या किया है। ये डाटा सच में आपको पता लगा देगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है सच में। अभी 7 डेज वाला हम देखते हैं कि 7 डेज वाले में मैंने क्या सीखा है। चले, मुझे ना मेरे कैमरे का ये एंगल बहुत प्यारा लगता है, ये मेरा फ्रंट भी कैमरा इसमें चल रहा होता है, बैक एंड भी चल रहा होता है, ठीक है। तो 7 डेज प्लान जो मैंने बनाया था, आप लोगों को बताऊंगी कि आपको ये प्लान क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर बताऊंगी। सबसे पहले मेरा क्या था, मैंने एक्टिव रिकॉल का बात कर रहा था, मतलब कि जो भी मैंने कल सीखा है वो मुझे आज आंख बंद करके, नोटबुक बंद करके बोलना है, सोचना है, बताना है, ठीक है। वो होता है एक्टिव रिकॉल, फिर उसका लेक्चर देखने का, फिर उसका नोट्स बनाने का, रिवीजन करने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मतलब जो भी लेक्चर आपने देखा है उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, फिर से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस ये था दिन का, कि चाहे दिन का एक लेक्चर देखो लेकिन अच्छे से। बस ये था मेरा प्लानिंग कि हाँ जो भी लेक्चर देखना है अच्छे से देखना, ओके। उसके बाद फिर मैंने टाइमिंग का लिखा था और ये 7 डेज हो गए हैं, ठीक है। माय लर्निंग्स फ्रॉम 7 डेज स्केड्यूल प्लान, मेरी 7 डेज प्लानिंग के 5 मूल मंत्र कह लो, जस्ट 5 रूल्स थे। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल, एक दिन का एक लेक्चर देखना, उस लेक्चर के नोट्स बनाने, उस लेक्चर को रिवाइज करना और उस लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये 5 चीजें मैंने अपनी रखी हुई थी 7 डेज प्लानिंग के लिए। कौन कौन सी सक्सेसफुल रही, सुबह उठकर एक्टिव रिकॉल करना, इसको मैं दूंगी 30% मैंने किया है ये काम। लेक्चर देखना, मतलब 100 में से 30% ये काम किया है मैंने, ये कहूंगी। लेक्चर देखना फुल ऑन 90%, उसके बाद उसके नोट्स बनाने, ठीक है, 80%, उसको रिवाइज करना 40-50%, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेक्चर में जो क्वेश्चन किए एक्स्ट्रा तो ठीक है, कभी कभी किए भी हैं, चलो 40-60%। तो कमियाँ कहाँ रही हैं, एक्टिव रिकॉल में कमी रह गई हैं और कहाँ कमी रही है, ठीक है, इसमें कमी रही है, ये क्या है, क्लास के बाद लेक्चर को रिवाइज करना, और इसमें कमी रही है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। यही 3 चीजें होती हैं जिसमें हमारी पोजीशन आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। मतलब लेक्चर हर कोई देख लेगा, नोट्स हर कोई बना लेगा, उसको रिवाइज बहुत कम करते हैं क्योंकि मन ही नहीं करता होता है कि दोबारा वापस हम जाकर रिविजन करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन अड़े जाते हैं, करने का मन नहीं करता होता उसके पहले, क्योंकि मन हमारा इतना लेजी होता है कि उसको करने का मन ही नहीं करता। सबसे पहला एक्टिव रिकॉल, मतलब कि सुबह उठकर सबसे पहले जो कल का पढ़ाया हुआ उसको पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, ऐसा होता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे का याद करो, आगे का याद करो, आगे का देखो, आगे का लेक्चर कंप्लीट करो, ऐसा मन होता है, इसलिए ये काम भी नहीं हो पाता। सबसे 1, 2 एंड 3, ये 3 काम रह गए हैं करने को 7 डेज चैलेंज में। अब नेक्स्ट 14 डेज चैलेंज में 1, 2, 3, इन्हीं तीनों पर वर्क करना है, तीनों पर ही वर्क करना है। हर दिन सुबह उठकर एक्टिव रिकॉल करनी है, करनी है तो करनी है। हर दिन रिवीजन लेक्चर करनी है, करनी है, करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर टॉपिक की करनी है, करनी है, करनी है। यही जरूरी काम 14 डेज के आगे रह गए हैं, क्योंकि 5 ही मेरे चीजें हैं जो मेरे को डेली की करनी है, ओके। तो ये 3 चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं को ऊपर वर्क करना है, ओके। और आपके लिए अपना शेड्यूल बनाते हो अपने दिन का, कहाँ टाइम कौन सा जाता है, कहाँ पर प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, कहाँ पर नहीं आती है, देखते हो
और हर दिन का आपको पता होता है कि आप पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में आपकी क्या सीखा है, क्या नया सीखा है, क्या आपको आज पता है, क्या आपको आपको पता है कि आपने 2-3 दिनों में पिछले जो 2-3 दिन गए हैं उसमें आपने क्या कमी रहेगी जो उसको आज आप नहीं करोगे, या फिर आप कल वाली मिस्टेक्स आज नहीं दोहराओगे, पता है क्या इस पर वर्क कर रहे हो? अगर कर रहे हो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आगे चलो, आगे के 14 डेज चैलेंज में हम मिलते हैं। मैं 3 काम करूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले एक्टिव रिगो का काम करना है। मुझे ऐसे नोट्स बनाने हैं कि ऐसे नोट्स ही बनाने हैं कि मैं उनको हर दिन रिवाइज कर सकूं। ऐसे नोट्स बनाने हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज, लेक्चर के बाद उसकी रिविजन करनी ताकि आपको माइंड में बैठे कि जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो क्या क्या था। तीसरी चीज, ये रिवीजन करना भी बहुत अच्छा फीलिंग देता है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब लगता है कि हाँ आज का जो लेक्चर देखा है कितनी नॉलेज मेरे को मिली है। वो थर्ड क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब मालूम पड़ती है। ये 3 काम 14 डेज आगे के चैलेंज में कंप्लीट करने के हैं। बाय बाय।